ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों यदि आप लोगों ने यदि ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आया होगा जिसमें ई श्रम कार्ड अपना वर्तमान पता अपडेट कराए CSC या फिर ishramcard.gov.in पर। इस तरह के मैसेज काफ़ी लोगों के पास भेजा जा रहा है और काफ़ी लोग इन बातों से परेशान हैं, आखिर में ये मैसेज क्यों आ रहा है, वर्तमान पता अपडेट करना इसका मतलब क्या है। तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोगों ने कुछ टाइम पहले ही ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे, ई श्रम कार्ड बनवाने के समय इस तरह के कुछ भी आप लोगों को मैसेज अलर्ट नहीं किया गया होगा, लेकिन इस टाइम इस तरह के मैसेज जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं सारे लोगों के पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, यदि आपने जब ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे, आधार कार्ड से आपने ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे, तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस है, यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, मान लो आप दिल्ली में रहते हैं और अभी आधार कार्ड पर एड्रेस जो आपका बिहार का है, जब आपने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं उसमें आपने आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से उसमें डाल दिया, यानी कि बिहार के उसमें टाइप कर दिए हैं, तो उसका ये कहना है कि यदि आप लोग ई श्रम कार्ड जो बनवा रखे हैं तो करेंट एड्रेस होना चाहिए, वर्तमान में जो अभी वहाँ पे आप रह रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। यानी कि समझ लो यदि आप लोग के आधार कार्ड में जहाँ का एड्रेस है वो नहीं चलेगा, यानी कि आप करेंट में जहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस आप लोगों को ई श्रम कार्ड में अपडेट होना चाहिए, पहली नंबर। दूसरी नंबर, मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, आपने ई श्रम कार्ड जब बनवाए होंगे आधार कार्ड के हिसाब से, तो उस समय जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहा होगा वो डाल दिए होंगे, वो तो सही है, लेकिन मान लो कि आपने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, यानी आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं ई श्रम कार्ड बनने के बाद आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लिए हैं, तो उसका ये कहना है अभी जो करेंट में आप लोग जहाँ रह रहे हैं आधार ई श्रम कार्ड में वहीं का एड्रेस होना चाहिए। करना क्या है, सिंपल, आप लोगों को आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो नहीं चलेगा ई श्रम कार्ड में, अभी करेंट में जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका एड्रेस ई श्रम कार्ड में होना चाहिए, तभी आप लोगों को हज़ार रुपये की पहली किस्त मिलेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए जाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली तरीके से श्रम कार्ड में करेंट एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।